6 दिसंबर 1992 को गिरा बाबरी मस्जिद। इस इवेंट ने एक चेन रिएक्शन शुरू किया जिसमें देश में कई जगह पे कम्युनल दंगे हो गए, जिसमें से एक शहर था बॉम्बे। इन दंगों में टाइगर मेमन नामक एक आदमी का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उसने 12 मार्च 93 में बॉम्बे में कई इलाकों में ब्लास्ट करवाए। सिटीज अक्रॉस इंडिया हैव बीन प्लेस्ड ऑन हाई अलर्ट आफ्टर 3 बॉम्ब अटैक्स। 3 लीथल बॉम्ब ब्लास्ट ऑन फ्राइडे 12th ऑफ मार्च। इन सीरियल धमाकों में 257 लोग मौत की नींद सो गए। With the confidence that was returning to the beleaguered city। इस हमले ने कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कई नाम इसमें निकल के आए जिन्हें इन ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें से एक नाम था संजय दत्त। और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने कभी सोचा नहीं था कि ये चेन ऑफ इवेंट्स उनकी जिंदगी ऐसे बदल देगा कि उससे वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएंगे। 20 years after the 93 blast rocked Mumbai, actor Sanjay Dutt surrendered before a Tata court. Possessing an AK-56 rifle arranged by Anees Ibrahim. Now, the fate of Bollywood star Sanjay Dutt, who is facing a 6-year jail term for possessing illegal arms, will be decided today by the Apex Court along with the Honorable. बॉम्बे ब्लास्ट के बाद क्राइम जर्नलिस्ट बलजीत परमार इस ब्लास्ट के न्यूज के फॉलोअप ले रहे थे, अंटिल उन्हें खबर मिली पुलिस के थ्रू कि एक एमपी के बेटे के घर AK-56 हथियार थे। बलजीत परमार ने अपने इन्वेस्टिगेशन से पता लगाया कि ये एमपी का बेटा कोई और नहीं सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त है। और फिर 14 अप्रैल 1993 में बलजीत परमार ने एक आर्टिकल छापा, संजय दत्त has an AK-56 gun, और इस आर्टिकल ने तहलका मचा दिया पूरे देश में। इस वक्त संजय दत्त मॉरिशस में शूटिंग कर रहे थे और इस न्यूज ने उन्हें भी काफी शॉक किया। उनके फादर सुनील दत्त के कहने पे उन्होंने इंडिया वापस आने के प्लान्स बनाए और उन्होंने पुलिस कमिश्नर AS सामरा को कॉल करके इसके बारे में पूछा भी, जिन्होंने कहा कि उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा कुछ तो हुआ नहीं है और वो आराम से अपनी शूटिंग खत्म करके वापस आए। पर जैसे ही संजय दत्त की फ्लाइट इंडिया में 19 अप्रैल 1993 की रात के 2 बजे लैंड हुई, DCP राकेश मारिया एक पूरे टीम के साथ वहाँ ऑलरेडी उन्हें अरेस्ट करने के लिए रेडी थे और वहीं से उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। राकेश मारे ने अपने ऑटोबायोग्राफी में रिवील किया कि संजय दत्त ने पहले क्लेम किया कि वो इनोसेंट है और उन्हें कुछ भी नहीं पता इस केस के बारे में। पर राकेश मारे पे ऑलरेडी बॉम्बे ब्लास्ट केस का स्ट्रेस था, जिसके फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने एक जोर से संजू को वहीं पे थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद संजय दत्त ने सब चीज रोते हुए कन्फेस कर दिया। संजू ने कन्फेस किया कि बॉम्बे दंगों के दौरान उनके फादर सुनील दत्त कॉन्स्टेंटली रिलीफ कैंपिंग चला रहे थे दंगों से पीड़ित लोगों के लिए। सुनील दत्त के इस रिलीफ कैंपिंग की वजह से उन पे एक्यूजेशन लगने लगे कि वो मुस्लिम लोगों को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टेंटली धमकियां दी जाने लगी। घर की बहू बेटियों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी, मगर उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था अथॉरिटीज से। ये बात संजू को काफी परेशान करने लगी और ये चीज उन्होंने अपने दोस्त और मैग्नम वीडियो के प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ खड़ावाला को भी बताया, जिन्होंने संजय को सजेस्ट किया कि वो गन्स रख ले अपनी सेफ्टी के लिए। काफी बार मना करने पे भी संजय मान गए और 18 जनवरी 1993 बॉम्बे ब्लास्ट से 2 महीने पहले संजय के घर पे समीर और हनीफ एक मारुति वैन में आए, पर साथ में उनके एक और आदमी था अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम। इन्होंने संजू को 4 AK-56 गन दी, साथ में कई सारे कार्टेजेस और इवन हैंड ग्रेनेड्स दिए। एक इंटरव्यू में संजय ने कन्फेस्ट किया था कि उन्हें गन्स काफी सेक्सी लगे। बंदूकों का भी बहुत शौक है यार। Why should I lie? I love hunting and I love guns. So I came and I saw it. My heart told me don't take it, but my mind told me यार looking sexy man just keep it. उन्होंने इन गन्स को अपने फेड कार के डिग्गी में स्टोर किया, पर उन्हें बाद में सिर्फ एक ही गन चाहिए था तो उन्होंने बाकी गन्स लौटा दिया और बस एक गन रखा, जिसे उन्होंने अपने घर में एक बैग के अंदर स्टोर करके अपने कमरे में छुपा दिया। I kept it in my car and I forgot about it and I went to Mauritius for shooting. My sister called me up and she says that in the papers it's out you have had 3 guns and your producer gave it to you. ये गन उनके पास 2 महीने से पड़ा हुआ था, जिस ड्यूरेशन में बॉम्बे ब्लास्ट हो चुका था। और फिर जब संजू को पता चला कि पुलिस को पता चल गया सब, तो उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ नलवाला को कॉल किया और उन्हें कहा कि उन गन्स को उनके रूम से निकाल के डिस्ट्रॉय कर दे। इस कन्फेशन के बाद पुलिस का डाउट तो क्लियर हो गया कि संजू के पास गन्स तो है। सुनील दत्त पहले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। पुलिस ने संजू से खुद उनके सामने बात कन्फेस करवाई। राकेश मारे ने रिवील किया कि संजू उनके फादर को देख के उनके पैरों पे गिर के रोने लग गए थे और उनसे माफी मांगने लगे। और जैसे ही संजू ने सब कन्फेस किया, राकेश मायरा ने सुनील दत्त साहब के चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखा। इस कन्फेशन के बाद संजू को पुलिस रिमांड में भेजा गया, जिसके बाद एक बहुत लंबा ट्रायल शुरू हुआ।
क्राइम जर्नलिस्ट बलजीत परमार ने रिवील किया कि उनकी आर्टिकल छपने के बाद संजू ने उन्हें कॉल किया था। बलजीत परमार ने संजू को एडवाइस दिया, तेरे घर पे जो तुम्हारा कोई पीए उनको बोल के वो वेपन लेके खार पुलिस स्टेशन में जमा करवा दो, क्योंकि अगर आप जमा करवाते हो तो आपके ऊपर आर्म्स एक्ट का केस बनेगा। अगर आपने वेपन जमा नहीं करवाई और पुलिस ने आपके ऊपर रेड करके सर्च करके वेपन का सीजर किया तो टाड़ा लग जाएगा, फिर तकलीफ में आ जाओगे। संजू ने उनकी बात इग्नोर की और इंस्टेड पुलिस कमिश्नर एएस सामरा को कॉल करके इस केस के बारे में पूछा। एएस सामरा ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, वो आराम से शूट निपटाए और फिर बाद में मुंबई आ जाए, पर ये पुलिस की स्ट्रेटजी थी ताकि संजू भाग न जाए। उन्हें कहा जा रहा था कि उनपे सिर्फ आर्म्स एक्ट का केस लगेगा जिसपे उन्हें इजिली बेल भी मिल जाएगी, मगर उनपे टाड़ा लगा। टाड़ा विच स्टैंड्स फॉर टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। टाड़ा एक एंटी टेररिज्म लॉ है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोगों पे लगाया जाता है, और संजू पे टाड़ा लगने का रीजन था अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन। 93 ब्लास्ट के वक्त बहुत सारा आर्टिक स्मगल किया गया था और साथ में स्मगल किया गया था गन्स, जिसमें अकॉर्डिंग टू पुलिस समीर और हानिफ का भी हाथ था। जिस मारुति वैन में ये गन स्मगल हुए थे, कहा जाता है कि दो दिन तक ये एक वैन संजू के घर में पार्क था। पुलिस ने आरोप लगाया कि दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम के कहने पे इस गाड़ी को संजू के घर में रखवाया गया था और अबू सलीम भी इन नामों में इन्वॉल्व था, जिसके वजह से कंक्लूजन बना कि संजू को तो पहले से पता था बॉम्बे ब्लास्ट के बारे में और वो इसलिए ब्लास्ट में भी इन्वॉल्व था। बॉम्बे ब्लास्ट के बाद पुलिस ने समीर और हानिफ को पहले अपने इन्वेस्टिगेशन से अरेस्ट किया और फिर अरेस्ट होने के बाद उन्होंने पुलिस के साथ एक डील क्रैक करने के लिए संजू का नाम कन्फेस किया और इसी की वजह से संजू का नाम बाहर आया, जहां हानिफ खाड़ा वालों को 1998 में बेल तो मिली पर 2001 में छोटा राजन के लोगों ने हानिफ के ऑफिस में घुस के उसे गोलियों से मार दिया और समीर हिंगोरा को 2006 में ताड़ा कोर्ट ने गिल्टी पाया। वहीं पे संजय दत्त पे ऑलरेडी एक एलिगेशन था कि उनकी फिल्म यलगार के शूट के वक्त फिरोज खान ने उन्हें दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम से मिलवाया, जहाँ एलिजिडली सब ने साथ में बैठ के डिनर किया और साथ में संजू के ऑलरेडी कॉल रिकॉर्डिंग्स थे उनके अंडरवर्ल्ड के लोगों से बात करते हुए। एक चीज बोलूँ आपको, वो चिकना जो है करिश्मा को फोन कर बोलता है कि तेरी माँ की चूत, ये क्या होता है? आप सोचिए भाई। ज्यादा दिन नहीं, अभी अगर ये आ जाता ना जी तो मैं समझता हूँ तुम लोगों को खुश कर रही थी वो। बिल्कुल भाई, समझ में आएगा ना जी। जिसकी वजह से संजू का केस और वीक पड़ता गया। संजू पे ताड़ा के गंभीर चार्जेस लगे थे, उन पे टेररिस्ट का लेबल लग गया। संजू अपने अरेस्ट के बाद 16 महीने जेल में रहे, जहां उन्हें पहले सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से सबसे दूर रखा गया था, फिर 3 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रखा गया, अगेन फॉर सिक्योरिटी रीजंस। जहां राकेश मारे ने डिस्क्राइब किया कि उन्होंने संजू को लिटरली पागल होते हुए देखा। संजू वहां रोते रहते थे और सबको डर था कि संजू खुद को कुछ कर ना ले। इसके बाद संजू को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया। संजू जब जेल में थे तब 94 में बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स जैसे कि शाहरुख खान, सैफ अली खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और ना जाने कौन कौन संजू के सपोर्ट में खड़े हुए। मीडिया में इनकी तस्वीर आई जहां ये पोस्टर्स लेके खड़े थे जिस पे लिखा था संजू वी आर विद यू। इसी दौरान सुनील दत्त कॉन्स्टेंटली अपने कनेक्शंस को यूज कर रहे थे संजू को जेल से निकलवाने के लिए, मगर उनके पार्टी मेंबर्स ने उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की और एक टाइम तो ऐसा आया व्हेन ही रैन आउट ऑफ पेशेंस। और जब संजू ने उनसे पूछा कि कब मिलेगी बेल, तो सुनील दत्त ने साफ कह दिया कि तेरा बाप अब तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। मगर सच तो ये है कि सुनील दत्त फिर शिवसेना लीडर बाला साहब ठाकरे के पास गए। बाला साहब ठाकरे दत्त फैमिली के काफी क्लोज थे। कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे के इन्फ्लुएंस से संजू को फाइनली 16 महीने बाद 95 में बेल मिली और संजू आथरो जेल से निकलने के बाद सीधा माधोश्री गए, जहां वो बाला साहब ठाकरे से मिले। कहा जाता है कि सुनील दत्त कम्युनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे और उससे दूर ही रहते थे, पर अपने दोस्त राजेंद्र कुमार के कहने पे वो बाला साहब ठाकरे से मिले। बाहर आने के बाद संजू की इमेज काफी टार्निश हो चुकी थी, उन पे लगे टाड़ा ने ऑलरेडी उन पे एक टेररिस्ट का टैग लगा दिया था और अब उन्हें टाड़ा का टैग हटाना था। अकॉर्डिंग टू संजू और उनके लॉयर्स, उनपे सिर्फ आर्म्स एक्ट का केस होना चाहिए था, क्योंकि he had no clue about the guns being linked with Bombay blast, और उन्होंने वो गन सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए रखा था। इसके बाद संजू के दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा के कहने पे संजू गए आडवाणी जी से मिलने, जहां उन्होंने संजू से कहा कि वो उनकी मदद कैसे करे जबकि उनके ऑलरेडी इतने रिकॉर्डिंग्स बाहर है अंडरवर्ल्ड के लोगों से बात करते हुए, जिसमें संजू का जवाब था
कि उन्हें Z प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, फिर वो इनसे बात करना बंद कर देंगे क्योंकि उनकी जान को खतरा तो हमेशा ही रहेगा। संजू पे फिर 95 से लेकर 2006 तक टाडा एक्ट में ट्रायल चलता रहा। फाइनली 2006 में कोर्ट ने साफ कहा कि संजय दत्त इज नॉट अ टेररिस्ट और उन पे टाडा एक्ट हटा के आर्म्स एक्ट लगाया गया जिसके लिए उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। ये एक तरीके से रिलीफ था संजय दत्त के लिए कि उन पे टेररिस्ट का लेबल हट तो गया, पर दुख की बात तो ये थी कि सुनील दत्त ये बात सुनने के लिए तब वहां पे थे ही नहीं क्योंकि वो गुजर चुके थे। इस वर्डिक्ट को चैलेंज करते हुए संजू के लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की और कोर्ट ने उन्हें 6 साल की जगह 5 साल की सजा सुनाई। संजय दत्त को पुणे के येरवडा जेल में रखा गया, मगर कई लोगों का कहना है कि संजय दत्त जेल में कम और होटल में ज्यादा थे क्योंकि वो बहुत बार पैरोल पे बाहर आते दिखे, जैसे कि अक्टूबर 2013 में उन्हें 14 दिन का पैरोल मिला पैरों में दर्द के लिए, जिसे और 14 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया। दिसंबर 2013 में उन्हें 28 दिन का पैरोल मिला, फिर 2014 में 14 दिन का फरलॉग मिला, जिसे फिर से 14 दिन एक्सटेंड कराने की अपील तो डाली गई पर वो रिजेक्ट हो गया। फिर 2015 में 30 दिन का पैरोल मिला बेटी के नोज की सर्जरी के लिए, ये जेल ही है ना। फिर फाइनली फरवरी 25 2016 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया 3 साल में ऑन द अकाउंट ऑफ गुड बिहेवियर, जिसमें बेंच ऑफ जस्टिस आरएम सावंत और साधना जाधव ने सरकार से एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा पूछते हुए कि किस वे में संजय दत्त की गुड बिहेवियर को जज किया गया है, जबकि वो आधा टाइम तो जेल से बाहर ही थे लिटरली फॉर 146 डेज। और इस चीज ने काफी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की, मगर वेल संजू वॉज आउट एंड अ फ्री मैन। इस इंसिडेंट के बाद 2018 में राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू रिलीज हुई, जो संजू दत्त की बायोपिक तो थी, पर सवाल ये था कि इस मूवी में रियलिटी कितनी है और फिक्शन कितना है। कई लोगों का ये क्रिटिसिज्म था कि मूवी में संजय दत्त की लाइफ को सरफेस लेवल पे दिखाया गया है एंड इट फेल टू शो संजय दत्त का कनेक्शन विद अंडरवर्ल्ड। मूवी ने ये दिखाया कि संजू ने फैमिली सेफ्टी के लिए वो गन्स रखे थे, जो उन्होंने ये ओपनली कहा है, मगर काफी लोगों का क्लेम था कि संजू के पास तो ऑलरेडी 3 लाइसेंस गन थे। इनफैक्ट उन्हें गन्स का शौक बहुत पहले से था, इवन उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि he found the gun sexy, इसलिए उन्होंने उसे रख लिया। My heart told me don't take it, but my mind told me you're looking sexy, man, just keep it. खुजली निकाल दे, fire the thing, throw it and come back. I also kept it that in case something goes wrong and if there are about 500-600 people which come, I won't kill them, but at least I'll fire it in the air, man. तो फिर और गन्स रखने का क्या मतलब बना? मूवी ने संजू को as a victim दिखाया, पर क्या संजू एक victim थे या just a spoiled brat? वही साथ साथ सुनील दत्त एक MP थे, yet उन्हें high security क्यों नहीं मिली? वहीं पे संजय दत्त क्लेम करते हैं कि उन्हें जेल में डाला गया क्योंकि वो सुनील दत्त के बेटे थे। तो क्या संजू को फंसाया गया था बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल राइवलरी, या संजय दत्त को इस केस में ईज इसलिए मिला बिकॉज ऑफ इस पॉलिटिकल कनेक्शंस एंड फेम? बलजीत वर्मा ने क्लेम किया कि CBI के जॉइंट डायरेक्टर नीरज कुमार को दाऊद इब्राहिम का कॉल आया था, जहां दाऊद इब्राहिम ने अनीस इब्राहिम को बहुत मारा था संजय दत्त के यहाँ पे गन्स वाली कार को पार्क करने के लिए, और इस चीज पे ज्यादा बातें नहीं होती है, विच इज रियली ऑड। वहीं पे बलजीत वर्मा ने एक और बात कही कि संजय दत्त को अगर पता था अबाउट दिस ब्लास्ट That doesn't matter. पर अगर संजय दत्त उन गन्स को रखने की जगह उस गाड़ी या फिर उन गन्स को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देते तो वो कभी मुसीबत में नहीं पड़ते या फिर 93 का ब्लास्ट अभी होता ही नहीं। तो ये था संजय दत्त का इनफेमस गन केस। तुम्हारा ख्याल इसके बारे में पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हें क्या लगता है, संजू एक बायोपिक थी या फिर एक व्हाइट वॉश अटेम्प्ट? तुम्हें अगली स्टोरी किसके बारे में सुननी है, पहले ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं तुम्हारा सजेशन जरूर सुनना चाहूंगा। एंड अगर तुम चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, और तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। तुम साथ साथ हमें हमारे सोशल हैंडल्स में फॉलो कर सकते हो, ये हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो।